हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू डेली इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसका नाम है हाउ टू टॉक विद किड्स। इसमें मैंने वो सारे सेंटेंसेस इंक्लूड किए हैं जो हम हमारे डेली रूटीन में बच्चों से बात करते हुए यूज़ करते हैं। एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सीरीज एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 30 न्यू सेंटेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। फर्स्ट सेंटेंस है, नल बंद करो। टर्न ऑफ द टैप, टर्न ऑफ द टैप। सेकेंड सेंटेंस है, अपना कमरा ठीक करो। अब होता क्या है कि बच्चे कभी कभी घर में पूरा अपने टॉयज़ हो या बुक्स हो कुछ फैला देते हैं, तो हम बोलते हैं चलो अपना कमरा भी ठीक करो। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं टाइडी अप योर रूम। और इसे और एक तरीके से बोल सकते हैं और प्यार से बोल सकते हैं बच्चों से, कुड यू टाइडी अप योर रूम प्लीज़। कुड यू टाइडी अप योर रूम प्लीज़, क्या तुम अपना कमरा ठीक करोगे। नेक्स्ट है कपड़े पहन लो। इसे भी दो तरीके से बोल सकते हैं, पुट ऑन योर क्लॉथ्स या फिर वेयर योर क्लॉथ्स। फर्स्ट तरीका है पुट ऑन योर क्लॉथ्स, मीन्स अपने कपड़े पहन लो, या दूसरा है वेयर योर क्लॉथ्स। नेक्स्ट, हमें 10 मिनट में जाना है, वी हैव टू गो इन 10 मिनट्स। जैसे आप कहीं बाहर जाना हो तो हम बोलते हैं ना चलो फटाफट रेडी हो जाओ, हमें 10 मिनट में या 5 मिनट में बाहर जाना है, तो उसे बोलते हैं वी हैव टू गो इन 10 मिनट्स, वी हैव टू गो इन 10 मिनट्स। नेक्स्ट, मुझे ठंड लग रही है। जैसे आप विंटर सीजन शुरू है तो बहुत ज़्यादा ठंड भी बढ़ गई है, तो हम बोलते हैं आई एम फ्रीजिंग, मुझे ठंड लग रही है, आई एम फ्रीजिंग। पालथी मारकर बैठो, सिट क्रॉस लेग्ड, सीट क्रॉस लेग मीन्स पालथी मारकर बैठो। नाक साफ कर लो। जब सर्दियों का मौसम चल रहा है तो विंटर में बच्चों का नाक भी बहने लगता है, सर्दी जुकाम हो जाता है तो उनका नाक बहने लगता है, तो हम बोल सकते हैं सिंपली ब्लो योर नोज मीन्स नाक साफ कर लो, ब्लो योर नोज। नेक्स्ट, अपने हाथ तौलियों से पोछ लो, वाइप योर हैंड्स विथ टॉवेल, वाइप योर हैंड्स विथ टॉवेल। नेक्स्ट, चलो बाहर चलते हैं, लेट्स गो आउटसाइड, लेट्स गो आउटसाइड। नेक्स्ट, टीचर डांटेगी। जैसे कभी कभी बच्चे होमवर्क करने के लिए मना करते हैं तो हम बोलते हैं होमवर्क करके लेके जाओ नहीं तो टीचर डांटेगी। इसे बोलते हैं टीचर विल स्कॉल्ड यू, टीचर विल स्कॉल्ड यू। नेक्स्ट, खाना खाने के बाद तुम टीवी देख सकते हो। से बोलते हैं यू कैन वॉच टीवी आफ्टर हैविंग फूड, यू कैन वॉच टीवी आफ्टर हैविंग फूड। नेक्स्ट, तुम्हारे दोस्त कौन कौन है। जैसे हम कभी कभी पूछते हैं कि तुम्हारे दोस्त कौन कौन है, इसे बोलते हैं हु ऑल आर योर फ्रेंड्स, हु ऑल आर योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, या तुमने अपना होमवर्क कर लिया, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, डिड यू फिनिश योर होमवर्क। नेक्स्ट है माँ मेरा दूध पीने का मन नहीं कर रहा। अब कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि मम्मी मेरा दूध पीने का मन नहीं कर रहा, ये खाने का वो मन नहीं कर रहा, वो खाने का मन नहीं कर रहा, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे सपोज बच्चे ने बोला मम्मी मेरा ये दूध पीने का मन नहीं करता, तो इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं मम्मी आई डोंट फील लाइक टेकिंग अ मिल्क, मम्मी आई डोंट फील लाइक टेकिंग अ मिल्क। नेक्स्ट, मैं बर्तन साफ कर रही हूँ। जैसे आपको किसी ने पूछा आप क्या कर रही हो, अब आपके बच्चे ने पूछा मम्मी आप क्या कर रही हो, तो आप आंसर कर सकते हो आई एम डूइंग डिशेस, आई एम डूइंग डिशेस मीन्स मैं बर्तन साफ कर रही हूँ। सपोज आप कपड़े धो रही हो तो आप बोल सकते हैं आई एम डूइंग लॉन्ड्री, आई एम डूइंग लॉन्ड्री। नेक्स्ट है खराब मत करो। अब क्या होता है कभी कभी खाना खाते हुए खेलते खेलते सब बच्चे कपड़े या हाथ खराब कर लेते हैं, तो हम बोल सकते हैं डोंट बी सो मेसी, डोंट बी सो मेसी। नेक्स्ट, इसकी बदतमीजी को देखो। हम कभी कभी बोलते हैं जब बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं या कुछ गलत जवाब बड़े को कुछ बदतमीजी से बोल देते हैं, तो हम उसको बोल जब उस टाइम हम बोलते हैं ना इसकी बदतमीजी देखो कैसे बात कर रहा है बड़ों से अपने छोटों से, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलते हैं लुक एट हिज इम्प्यूडेंस, लुक एट हिज सॉरी लुक एट हिज इम्प्यूडेंस। वो उसे रुला रहा है,
सो पर आपके घर में एक दो बच्चे हो, एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे को रुलाते भी हैं, इन दैट कंडीशन वी कैन से ही इज मेकिंग हर क्राई, ही इज मेकिंग हर क्राई। नेक्स्ट है, मैं उसे खाना खिला रही हूँ। जैसे हम छोटे बच्चों को खाना खिलाते हैं तो इसे बोलते हैं आई एम फीडिंग हिम, आई एम फीडिंग हिम या आई एम फीडिंग हर। नेक्स्ट है, मुझे ब्रश करवा दो, हेल्प मी इन ब्रशिंग। और या फिर हमें एक और तरीके से ब्रश बोल सकते हैं, मेक प्लीज़ मेक मी ब्रश, प्लीज़ मेक मी ब्रश। जैसे कोई छोटा बच्चा आपसे बोल रहा हो मम्मी प्लीज़ मुझे ब्रश करवा दो या मेरे ब्रश करने में मुझे हेल्प करो, तो हम बोल सकते हैं हेल्प मी इन ब्रशिंग या फिर प्लीज़ मेक मी ब्रश। नेक्स्ट है, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। कभी कभी हम बोलते हैं ये मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल, इसे बोलते हैं आई डिडेंट लाइक इट, आई डिडेंट लाइक इट, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। उसने मुझे धक्का मार कर गिरा दिया। अब खेलते खेलते क्या होता है, बच्चे एक दूसरे को मारते भी मारने लगते हैं या धक्का मार कर गिरा भी देते हैं, तो इन दैट सिचुएशन वी कैन से ही पुश्ड मी ओवर, ही पुश्ड मी ओवर। नेक्स्ट है, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं तुम्हें खेलने जाने नहीं दूंगी। हम बोलते हैं ना देखो अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे तो मैं आपको बाहर खेलने के लिए नहीं जाने दूंगी। वैसे बोलते हैं इफ़ यू डू नॉट स्टडी देन आई विल नॉट लेट यू गो टू प्ले, इफ यू डू नॉट स्टडी देन आई विल नॉट लेट यू गो टू प्ले। नेक्स्ट, मेरे नाखून काट दो। इसे बोलते हैं प्लीज़ ट्रिम माय नेल्स, प्लीज़ ट्रिम माय नेल्स, या सिंपली हम एक और तरीके से बोल सकते हैं प्लीज़ कट माय नेल्स, प्लीज़ कट माय नेल्स। अभी 6 बजे है, इट इज़ 6 नाउ, या और कोई भी टाइम हो, अब इट इज़ 7 नाउ, इट इज़ 8 नाउ से बोल सकते हैं अभी 6 बजे है, इट इज़ 6 नाउ। नेक्स्ट है, वो सुबह जल्दी नहीं उठता, ही डिडन्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही डिडन्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मीन्स वो सुबह जल्दी नहीं उठता। बाहर बहुत सर्दी है, इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड, इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड। और आज का हमारा आखिरी सेंटेंस है, मौसम कैसा है, व्हाट इज़ द वेदर लाइक, व्हाट इज़ द वेदर लाइक। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।